सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कंट्री ऑन व्हील्स, इट्स मी तुषार यूपी 78 से। सो अभी ना सभी मोटो ब्लॉगर्स के लिए एक मस्त सा हेलमेट लेकर के आ गया हूँ मैं, और ये हेलमेट खरीदा मैंने अपनी हंटर 350 के लिए। तो ज्यादा देर नहीं लगाते हेलमेट आपको दिखा देते हैं। आई थिंक ये हेलमेट कानपुर में मात्र दो तीन लोगों के पास ही होगा, और यूनिक हेलमेट है क्योंकि, और स्कल ग्राफिक डिजाइन के साथ में ये हेलमेट आता है। और हेलमेट कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ एक्सोर की ब्रांडिंग है बॉक्स में। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, हेलमेट कितने का है, क्या बिल्ड क्वालिटी है और ग्राफिक्स मैं आपको दिखा देता हूं। तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये निकाला मैंने इसके अंदर से हेलमेट। हेलमेट आप देख सकते हो भाई, ये बैग के अंदर है हेलमेट ये। तो फटाफट से बैग से भी बाहर निकाल लेते हैं इसके, और कुछ इस तरह का ये हेलमेट है आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ग्राफिक्स बने हुए हैं, कंकाल की खोपड़ी बनी हुई है इस पे, और स्कल ग्राफिक्स है इसको बोलते हैं। तो कुछ ब्लैक एंड गोल्डन और स्काई ब्लू के कलर्स में ग्राफिक्स है इसके, और स्कल बने हुए हैं चारों तरफ। एक एक कंकाल की खोपड़ी, दो कंकाल की खोपड़ी, तीन तीन कंकाल की खोपड़ी बनी हुई है भाई, तीन, ठीक है। तो ग्राफिक्स मैंने आपको दिखा दिया, काफी बेहतरीन ग्राफिक्स है। और इस हेलमेट के साथ में आपको देखने को मिलेगा ये स्पॉइलर लगा हुआ है, स्पॉइलर आप देख रहे हो, ये स्पॉइलर आपको, एक स्पॉइलर ये मिलेगा और एक छोटा सा स्पॉइलर बॉक्स के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्पॉइलर इसके अंदर है, बिल्कुल मिनी स्पॉइलर बोलते हैं इसको, तो छोटा सा स्पॉइलर है ये हेलमेट के, जब कभी ये टूट जाए तो आप ये छोटा वाला स्पॉइलर लगा के काम चला सकते हो, समझ रहे हो। और स्पॉइलर के साथ में इसमें दो चीजें और है, एक एग्जॉर का स्टिकर है आप देख सकते हो इसके अंदर, और ये दो रिफ्लेक्टर है जो कि आप अपने हेलमेट में, आपकी बाइक पे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे लगा सकते हो। आप अपने टकले में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाल उखड़ जाएंगे उससे तो टकले मत लगाना है, तो रिफ्लेक्टर का सही यूज़ करो। और ये मैंने आपको दिखा दिया, अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो एक्सोर का हेलमेट है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही बेहतरीन हेलमेट है। और डबल वाइजर के साथ में ये हेलमेट आता है, ये चेक करो, पहले इसको खोला मैंने, और उसके अंदर ये भाई सलमान भाई वाला चश्मा भी लगा हुआ है। तो जब भी आप गाड़ी चलाओ, आपको रंगबाजी दिखानी है रोड में, तो आप ये सलमान भाई वाला चश्मा लगा सकते हो ऐसे करके। और इसका मेन काम होता है जब भी ज़्यादा हेवी धूप होती है रास्तों में, तो आप इसको लगा लो तो काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी सलमान भाई वाला चश्मा लगाने के बाद में। तो इसको बंद करने के बाद कुछ ये सीन रहा, और यहाँ पे एक्सोर की 3D ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और फ़ोन आ रहा भाई मेरे पास, लेकिन अभी करते इसको। तो एक्सोर की 3D ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको हेलमेट का नेट वेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1600 ग्राम, 1600 इस हेलमेट का नेट वेट है आप देख सकते हो। और इसको लगा के देखते हैं कैसा लगता है, क्या फील आता है हेलमेट लगाने के बाद में, आप लोग बताना लग कैसा रहा, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है भाई। और हेलमेट जो है हेड टर्नर हेलमेट है, जब भी आप रोड में लगा के निकलोगे तो लोग आपको मोड़ मोड़ के देखेंगे, ये तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, सही बता रहा हूँ मैं। ये चेक करो गाइस कैसा लग रहा, तीन तीन कंकाल की खोपड़ी बनी हुई है इस पे। और ये मैंने हटाया पहला वाइजर, और ये मैंने लगाया सलमान भाई वाला चश्मा। अभी तो क्या सीन है भाई, कैसे लग रहा, मेरे मूछें दिख रही भाई इसमें तो सिर्फ। तो सलमान भाई वाला चश्मा कुछ इस तरह से है, और काफी अच्छी कुशनिंग है, जो मेरा फेस है एकदम कंफर्टेबल है अंदर, और धूल वगैरह तो नहीं जाएगी इस हेलमेट में, ये चीज़ें। लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हेलमेट है 1600 ग्राम का, तो अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा दर्द भी होने लगता भाई इधर पे गर्दन वगैरह में, तो स्टार्टिंग में थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी मुझे भी। और डबल कुशनिंग के साथ में है, कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और कुशनिंग की बात करूँ तो इस हेलमेट में आपको जब भी आपकी कुशनिंग ख़राब हो जाए, जब भी आपको लगे इसको चेंज कराना चाहिए, तो मैंने जहाँ से हेलमेट लिया है उनसे मैंने बात करी थी, वो बता रहे थे 900 रुपये में इसकी कुशनिंग जो है सारी की सारी वो चेंज हो जाएगी, और दोबारा से आप इसकी कुशनिंग चेंज करा के एकदम हेलमेट जो है न्यू ब्रांड कर सकते हो। बस इसको गिराओ पड़ाओ नहीं, क्योंकि भाई स्क्रैचेस आ जाते हैं तो हेलमेट गंदा लगने लगता है,
तो कुशनिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, 900 रुपये में आप जब भी चाहो इसको चेंज करा सकते हो। कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बात करूँ मैं इसके ब्लूटूथ सिस्टम की, हालांकि इस हेलमेट में है नहीं, मैंने लगवाने का सोचा था लेकिन मैंने जहाँ से हेलमेट लिया उनके पास जो मुझे चाहिए था वो वाला ब्लूटूथ था नहीं। वो ब्लूटूथ लगा रहे थे वो पूरा हेलमेट के अंदर था, कॉल पिक करने तो हेलमेट के अंदर उंगली करो, तो वो करना नहीं था, मुझे बाहर वाला चाहिए, समझ रहे हो। तो वाला मैं जल्द ही लगवा लूंगा और उसकी भी वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगी, जब भी उसको इंस्टॉल करवाऊंगा अपना हेलमेट में ब्लूटूथ सिस्टम, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दिखा दूंगा और बता दूंगा क्या है कितने का। और बात करते हैं मेन बात हेलमेट के प्राइस पॉइंट की, क्योंकि हेलमेट भाई बहुत ज़्यादा महंगे महंगे आते हैं, समझ लो 2000 रुपये से ठीक ठाक हेलमेट मिलने लगता है, लेकिन ये हेलमेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 4500, समझ लो 4500 रुपीज़ का हेलमेट मुझे पड़ा है 4500 रुपये का, तब 4900 रुपये के इस हेलमेट की प्राइस पॉइंट है। और भैया ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया और उसके बाद में ये हेलमेट मुझे दिया 4500 का, 4500 रुपये का मुझे हेलमेट फाइनली भैया ने दे दिया। और इसके एक और इसके साथ में एक गिफ्ट था, वो था मेरी हंटर 350 की के लिए एक प्यारा सा की चैन, उसमें रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है, तो की चैन दे दिया था फ्री में गिफ्ट, तो भैया को उसके लिए थैंक यू। और हेलमेट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हेड टर्नर हेलमेट है, जब भी आप रोड से निकलोगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो हेलमेट कैसे लग रहा है, ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके बताना। और आप भी ये हेलमेट लेना चाहते हो डिस्काउंट के साथ में, तो मैं शॉप भैया की मेंशन कर दे रहा हूँ, नीचे लोकेशन मेंशन कर दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो और भैया के पास जाके ले सकते हो। और शॉप बता दूं मैं कानपुर के बजरिया से हूँ, मैं मतलब बजरिया से नहीं, मैं कानपुर से हूँ और जहाँ से मैंने हेलमेट लिया है बजरिया, कानपुर के बजरिया से ये हेलमेट लिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। शॉप का नेम भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। और हेलमेट कैसा लग रहा कॉमेंट करके बता देना। और एक चीज़ और रह गई वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह के बैग में आता है ये हेलमेट, और बैग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चालू कहाँ से ख़त्म। और इसमें भी आपको एक्सोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और इस हेलमेट के अंदर आप अपना बैग रख सकते हो, जब भी आप घूम फिर के आओ हेलमेट साफ करो कपड़ा मारो और इसके अंदर रख दो, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हेलमेट कैसा था कमेंट करके बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, बाय।